मेकअप शेकअप मैं सितारा, आज हम सीखेंगे बहुत ही इजी और क्विक विंग्ड आईलाइनर ट्यूटोरियल। सो लेडीज, क्या आप इस आंख पे आईलाइनर बिल्कुल ठीक लगाती हैं लेकिन इस आंख थोड़ा सा मोटा लग जाता है? क्या इस आंख का विंग बिल्कुल ही स्ट्रेट लगता है लेकिन ये विंग थोड़ा टेढ़ा लग जाता है? क्या विंग लगाते हुए आपके हाथ थोड़े से कांपते हैं? If yes, then this video is absolutely for you. क्योंकि आपकी परेशानियों का हल है मेरे पास। देखते रहिए ये ट्यूटोरियल और सीखें बहुत ही इजी तरीका विंग आईलाइनर लगाने का। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, बिगिनर्स को मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो यूज किया करें पेंसिल आईलाइनर। और आज जो आईलाइनर मैं यूज कर रही हूँ वो है मेबेलिन ग्लोसियल काजल। आप कोई काजल घर में यूज कर सकते हैं या कोई और कोई भी ब्लैक पेंसिल आप इस्तेमाल कर लें, वो इस लुक के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। इसकी वजह यह है कि जो जेल बेस्ड लाइनर है या वाटर बेस्ड लाइनर है वो अगर आपके खराब हो जाए तो एक मेस क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल नए लगाना सीख रहे हैं आईलाइनर तो आई रिकमेंड कि आप यूज करें वो भी पेंसिल लाइनर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं थोड़ा सा करीब आ जाऊंगी कैमरा के सो दैट यू कैन सी माय आईज प्रॉपरली। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है आपने सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है अपनी पूरी आंख के ऊपर। देखें, सीधी लाइन तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है। सो चले लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट स्टेप और वो है एक सीधी लाइन ड्रॉ करना। देखिए, आप अपनी स्किन को भी ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं आंखें बंद करके आराम से ऐसे। आप ये नोट कर रहे होंगे कि ये लाइन देखें थोड़ी सी अनइवन है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी सीधा कैसे करना है इसको। इसको इसी तरह छोड़ देना है। चलें, ये यहां तक ये लाइन सीधी लग गई। अब देखें, आपको जो नीचे वाला हिस्सा है उसके भी करीब आप थोड़ी सी लाइन ये लेकर आएंगे ऐसे करके। ये देखें, अब ये पूरी आंख पे एक लंबी सी लाइन लग गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो लोअर लैश लाइन है उसके मुताबिक यहां आपने इसको रखना है लाइनर को इससे बिल्कुल साथ ऐसे करके। ठीक है, लाइन ड्रॉ नहीं करनी है लेकिन प्रिटेंड करना है कि जैसे आप लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां तक अब इस डायरेक्शन में ऐसे लाइन लगानी है। ये देखें जी, ये लाइन लग गई। ये मोटी है पतली है जैसी भी है, इस टाइम पे आपने इसकी फिगर नहीं करनी। रफ सी, जितनी रफ हो सकती है आप लाइन लगाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आपने ये लाइन लगा ली है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और करेंगे लंबा। ये देखें कितनी अनइवन सी लाइन है। जब ये लंबा हो जाए आंखें बंद करनी है, यहां से यहां तक आपने एक लाइन लगानी है, सीधी लाइन। ये देखें इस कोने से ये आंख के बीच तक हमने लगा ली लाइन। जब ये लाइन लगा ली तो उसको फिल कर लिया। फिल हो गया, फिर ये आगे वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा बराबर कर लिया। ठीक है, अब देखें कितना अनइवन सा ये एक लाइनर लग गया है। थोड़ा सा ही करते हैं इसको। जब इस तरह की शेप आपकी आंख को मिल जाए, एक अनइवन सी अजीब सी, फिर आपने यूज करना है अपना नेल। यहां रखना है बिल्कुल एज पे और इसको ऐसे खींच देना है, ऐसे खींच देना है। अब ये देखें एक अजीब सी शेप बन गई है, परेशान नहीं होना। अब आपने क्या करना है, जो आपने लाइन खींची है इसकी ये जो ये वाली जगह है इसको हल्का हल्का ऐसे फिल करना है और जो एक्सेस है इसको ऐसे रिमूव कर देना है अपने फिंगर से। जितना आपको लंबा विंग चाहिए उस हिसाब से आपने इसको रखना है। जब ये क्रिएट हो जाए उसके बाद आपने एक एंगल ब्रश लेना है इस तरह का, उससे अपने जो ये पूरा आपने लाइनर लगाया है इसको आपने आराम आराम से ब्लेंड करना है ताकि ये बड़े इवन सीट लुक आ जाए। देखिए ऐसे ऐसे, ये देखें जी, सिंपल और इजी तरीन विंग आईलाइनर है ये। अब मैं क्या करूंगी, जिसको प्रैक्टिस है लिक्विड लाइनर यूज करने की वो इसका जो एज है वो उसको स्मूथ करते हैं, मैं आपको करना सिखाती हूँ। मैं रिकमेंड करूंगी यूजिंग अ केक आईलाइनर। मैं यूज कर रही हूँ क्रावलिन का। और ये रिकमेंड मैं क्यों कर रही हूँ, इसलिए
क्योंकि अगर ये भी आपका ख़राब हो जाए तो आप इसी तरह फिंगर से इसको ब्लेंड इन ब्लेंड आउट करके कोई ना कोई तरीका निकाल के उसको आप सीधा कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होता उससे। देखिए आज मैंने पहले बेस भी नहीं लगाई इसी वजह से, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आपको सिखाऊं कि आप कैसे अपना आईलाइनर का एज जो है वो बिल्कुल ही शॉर्ट कर सकते हैं, और कोई ऐसी टेक्निक की जरूरत भी नहीं है, बड़ा सिंपल है ये। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया लाइनर पेन इस पे ब्रश पे, और मैं बड़े आराम से एक लाइन ड्रॉ करूंगी इसको फर्दर स्मूथ करने के लिए। ये देखें, अब ये देखें खराब हुआ है, तो मैंने ये पार्ट एडिट नहीं किया, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये खराब हुआ है तो कितने आराम से ये उतर भी गया है, कि आपको मेकअप वाइप्स नहीं यूज करने पड़े, मेकअप रिमूवर नहीं यूज करना पड़ा, किसी आप खप में नहीं पड़े, आपने आराम से इसको रिमूव किया है। अब बस दोबारा से आप इसको ऐसे स्ट्रेट करके लाइन लगा देंगे, और इसको भी आप फर्दर ऐसे करते हैं, तो ये ऐसे देखें लाइनर की लुक आ गई है। अब जो पार्ट्स आपके रह गए हैं ये देखें, जैसे मेरा ये पार्ट रह गया है फिलिंग वाला, इसको आप आराम से पेंसिल से फिल करते हैं। मैं जाती हूँ ऑफ कैमरा और इसको फिल इन करती हूँ, और मीन वाइल ये वाली आई भी करके आती हूँ। ये देखें जी, मैंने लगा लिया है इस आँख पे भी, और ये होगी कंप्लीट लुक। आपने परेशान नहीं होना जी कि ये दोनों बराबर नहीं है, या जी मुझसे बराबर लाइनर नहीं लगता, किसी को कोई इनाम नहीं मिलता लाइनर बराबर लगाने से, ट्रस्ट मी। तो बस आप मेक श्योर करें कि आपको एक एक स्किल आ जाए, लाइनर लगाना आ जाए, एंड दैट्स इट। ठीक है, कोई इतना कोई भी नहीं मेजर करता। अब आप देख सकते हैं मैंने भी लगाया है, तो मुझे तो बराबर लग रहा था, क्या पता आप देख रहे हो आपको ना लग रहा हो, तो कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द फेस। आज मैं करना चाह रही थी एक बोल्ड लिप की लुक, क्योंकि विद अ विंग्ड आई लाइनर आई थिंक बोल्ड लिप्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं डाइव इन इनटू फाउंडेशन। आंखों पे इसलिए उसने लगाया क्योंकि मैं सिखा रही थी कि ये लगाना कैसे है, तो वो फिर बेस में एक अलग ही मेस बनता, तो फिर आई वाज लाइक यू नो लीव दैट, तो इट्स ओके आई नो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, पर इट्स ओके, मैं थोड़ा सा डिपेंड कर लूंगी बाद में। फाउंडेशन के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ ट्रायलन की बेस टीवी पेंट स्टिक, और ये शेड है F1 में, और इसको हम जिम के दिन लगाते हैं अपने फेस पे। मुझे पर्सनली हैवी बेस नहीं पसंद, इसलिए मैं बहुत ही कम बेस यूज़ करती हूँ, और फिर उसको बिल्डअप करती हूँ उस पर, अगर और चाहिए हो तो बंदा और लगा ले, वरना मुझे इतनी ही बेस मुझे पसंद। और इसी बेस को मैं यूज करूंगी एज अ कंसीलर। और मैं लगा रही हूँ इस पे स्वीट टच का लूज पाउडर इसको सेट करने के लिए, और जो विंग है उसको भी हम इस तरह क्लीन करेंगे। अब थोड़ा सा पाउडर मैं यूज करूंगी अपनी आईज के ऊपर। अब मैं करूंगी अपना फेस सेट इसी लूज पाउडर के साथ। मेरा फेस सेट हो गया है एंड नाउ इट्स रेडी फॉर कॉन्ट्रोरिंग। सो आज मैं कॉन्ट्रोरिंग करूंगी अपने फेवरेट कॉन्ट्रोर पैलेट से, जो है एसेंस का गेट पिक्चर रेडी, और इसका मैं शेड यूज कर रही हूँ जो एक्सट्रीमली चॉकलेट ब्राउन है वो वाला। जस्ट गोना डिप इनटू इट देन स्कल्प्ट माय फेस। अब बारी है हाइलाइटर की और लिपस्टिक की, और हाइलाइटर मैं बाहर भूल आई हूँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, भाग के लेके आती हूँ। सो गाइस आई एम बैक विद द हाइलाइटर दैट आई टोटली फॉरगॉट टू ब्रिंग, और फॉर हाइलाइटर आई एम यूजिंग एल्फ इन द शेड, दिस डोंट हैव अ शेड, एनीवेज लेट मी जस्ट क्विकली क्विकली हाईलाइट, और फिर हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द लिपस्टिक। सो गाइस आई एम डन विद द हाइलाइटिंग इन ऑल द मेकअप। मैं इस लुक के लिए ब्लश नहीं यूज़ करूंगी क्योंकि मैंने बहुत हैवी कॉन्ट्रोलिंग की है जैसे आप देख सकते हैं, और मेरा ब्लश लगाने का बिल्कुल मूड नहीं है।
अब मैं इस लुक को फिनिश ऑफ करूंगी विद मेबेलिन मैट इंक और ये है शेड डांसर विच इज 118 एंड आई लव दिस प्रोडक्ट. बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है. तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट. क्विक टिप, मैट लिपस्टिक, कोई भी मैट लिपस्टिक लगाने से पहले मेक श्योर कि आप लिप्स पे वैसलीन लगा लें. आपके लिप्स पूरा दिन हाइड्रेटेड रहते हैं. हमें पता है मैट लिपस्टिक बहुत ज्यादा लिप्स ड्राई करती हैं. तो दिस टिप रियली वर्क्स. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. आपने ये आई लाइनर लुक घर पे ट्राई करनी है. मुझे बताना है कि आपसे क्या ये आई लाइनर विंग आई लाइनर लग सका है कि नहीं लग सका वॉचिंग माई वीडियो. द टिप हियर इज कि आपने अपने फोन पे वीडियो प्ले करनी है, मिरर के साइड पे फोन रखना है और उसके बाद बस लगाना शुरू कर देना है. आई एम 100% श्योर कि इवन फर्स्ट टाइम में भी आप ये लुक आराम से क्रिएट कर सकते हैं. विद देन आई एम गोना टेक ऑफ. टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.